एहसास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है। पहले एहसास हो जाना चाहिए महल्ले वाले में। अब ये हजरत का बयान तो आ गया, हम थोड़ा सा कुछ कह देते हैं हजरत के हुक्म से। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, बेसरमाया को सुल्तान बना देता है। एक आदमी के पास दुनिया में के पास से कोई सबब नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ इल्म आ गया तो आदमी का दर्जा बहुत बढ़ जाता है। अब एक वाक्य सुना देते हैं आपको छोटा सा, उसके अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह। शाही मुरादाबाद एक मदरसा है, यहाँ का मुफ्ती बहुत बड़ा होगा, मुफ्ती तो और बहुत जगह अक्कल गुआ में बन रहे हैं, जोबन में भी। ये अलग बात है कि एक ज़माने में जो इफ्ता का कोर्स था 3 साल में मुफ्ती बना करता था, 3 साल लगते थे मुफ्ती बनने को। अब जो तो हर काम शार्ट हो गया, अब 1 साल में बनकर आ जाता है। बाद जगह पर तखसस फिर फीका बनकर 6 महीने में भी मुफ्ती बन जाता है आदमी। लेकिन शाही मुरादाबाद की खसूसियत है कि बहुत बड़ा, यानी इफ्ता के अतबार से बड़ा मदरसा माना जाता है। तो शाही मुरादाबाद के अंदर जलसा रखा गया, जलसे के अंदर मशवरा हो गया किसको बुलाना चाहिए। तो मशवरे से ये बात तय पाई कि मुफ्ती किफायतुल्ला, ये बहुत बड़ा है, मुफ्ती आजम है, इसने दीनी तालीम के अपने तालीम और इस्लाम लिखे हैं। मुफ्ती किफायतुल्ला साहब कहा कि उनको बुलाया जाएगा। तारीख तय हो गई, जलसे की भी तारीख तय हो गई, हजरत का आने का जो वक्त था। तो मुरादाबाद जाने के लिए एक ऐसा मकाम स्टेशन आता है कि वहाँ से गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती, तो वहाँ से फिर घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है टांगे में। तो हजरत का आने का वक्त हो गया, उलमा ने मशवरा किया कि भाई इतनी बड़ी हस्ती हमारे मदरसे में आ रही है, अब जो है तो गाड़ी का भी नज़म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करें कि इतनी बड़ी हस्ती है तो अपन घोड़ा टांगे में लाएंगे, लेकिन घोड़ा टांगा नहीं खींचेगा, टांगा जो यानी जो टांगा है उसको घोड़ा खींचकर नहीं लाएगा, बल्कि उलमा जो मदरसे के ये इसको खींच कर लाएंगे मदरसे जल से लगे। ये तय होगा। शाही मुरादाबाद के उलमा बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके इल्म के मकाम से लोग डरते हैं इतने बड़े बड़े। तो कहा कि टांगे को उलमा खींच कर लाएंगे। हजरत आए हैं उस स्टेशन पर, उतरे टांगे में बैठे, उलमा ने उसको खींच कर नहीं करा है, सब रास्ते से बिछात भी इसका भी नजम किया गया, बीच में रास्ता जो वहाँ पर कालीन बिछी और उसके ऊपर टांगा चल रहा है, वो उलमा खींच के ला रहे हैं, जलसे में लाकर बिठा दिया। अब हजरत की जो तो बात शुरू हुई, हजरत ने बात शुरू की, बात इस तरह शुरू की कि एक बच्चा है एक मदरसे में पढ़ने के लिए गया, उसको दिल में शौक आया कि मुझे आलिम बनना चाहिए, एक मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए गया। यह हजरत की बात हो रही है, मेरी बात नहीं है, मुफ्ती किफायतुल्ला साहब ने जो बयान किया वो बता रहा हूँ। कहा कि उसका जो तो एक बच्चा इल्म हासिल करने के लिए एक मदरसे में गया, मदरसे वालों ने उसका बायो डाटा निकाले, तारुफ पूछे तुम कौन है, कहा कि मैं नाई हूँ, यानी हजाम खानदान का हूँ, नाई खानदान का आदमी। तो जो दाखिला करने वाले थे उन्होंने कहा कि नाई के बच्चे भी आलिम हाफिज बनेंगे, तंज किया उन्होंने, नाई यानी हजाम के बच्चे भी आलिम बनेंगे, तुम्हारा दाखिला नहीं होता है बोले। उन्होंने उसको वापस कर दिया, बच्चे को तो बड़ा चरखा लगा दिल में, बड़ा एहसास हुआ उसको कि मुझे तो इल्म हासिल करना है। फिर वो बच्चा यहाँ से निकलकर दारुल उलूम देवबंद चला गया। दारुल उलूम देवबंद में जाने के बाद उसका दाखिला हो गया किस्मत से, उसने इतनी मेहनत से इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि आज वो मुफ्ती किफायतुल्ला बन गया। ये अपनी तारीफ बता रहे हैं, आज वो क्या बन गया, वो मुफ्ती किफायतुल्ला बन गया है, जिसको जानवरों ने उसकी गाड़ी नहीं खींची, शाही मुरादाबाद के बड़े बड़े उलमा ने उसकी गाड़ी खींच कर लाया जानवर की जगह। और वो मदरसा जहाँ पर दाखिला किसी का यानी उस बच्चे का नहीं हुआ, तो वो शाही मुरादाबाद है, इस वजह से मेरा दाखिला नहीं हुआ था। ये वाक्य मैंने सुना है, शाही मुरादाबाद में वो बच्चा पढ़ने के लिए आज वो खुद थे, यहाँ इनका दाखिला नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ, देवबंद में। और वो मुफ्ती के फैजुल्ला बन गए, मुफ्ती आजम, इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा नहीं। तो ये इल्म ये मकाम दिलाता है, जिसको कहा
कि देश और माया को सुल्तान बना देता है, बादशाह बना देता है। तो अगर हमारे बच्चे भी जैसे हजरत ने फरमाया शुरू में कि हमारे इल्म का मकसद है मारिफत, अल्लाह का तारुफ हो जाना। जितनी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का इल्म जितना होगा आदमी को, जितना अल्लाह का इल्म ये हासिल करेगा उतना अल्लाह की ज़ात का तारुफ होगा और आदमी उतना अल्लाह से करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना आलमकुम बिल्लाह व अत्काकुम, मैं अल्लाह को बहुत ज़्यादा जानता हूँ इसलिए अल्लाह से डरता भी हूँ। पहला क्या है, अल्लाह की पूरी कुव्वत कुदरत को मैं जानता हूँ इसलिए अल्लाह से ज़्यादा डरता हूँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल मुत्तकीन कहा जाता है। एक हदीस में फरमाया, लिकुल्ली शैइन मादिन व मादिनु तक्वा कुलूबुल आरिफीन, हर चीज़ का एक खदान होती है, हर चीज़ का एक मखजन होता है। खदान होती है ना भाई, कोयले की खदान, हीरे की खदान, सोने की खदान, तो लिकुल्ली शैइन मादिन, हर चीज़ की एक खदान होती है। और तकवे की जो खदान है वो आरिफीन के कुलूब होते हैं। आरिफीन किसको कहते हैं, वो अल्लाह को पहचानने वाले हैं। कहना इल्म का मकसद ये तारुफ बिल्ला है, अल्लाह का तारुफ हो जाना, ये इल्म वह है से इससे अल्लाह का तारुफ हो जाता है। हदीस में फरमाया, लौ तअलमूना मा अलमू ला ज़हिक्तुम क़लीलन वला बकीतुम कसीरा, जो मुझे मालूम है अगर तुमको मालूम हो जाए तो हंसोगे कम रोओगे ज़्यादा। ये सारे उलूम हासिल करना है, ये इल्म कहाँ मिलेगा भाई, हमारे मकातिब में, हमारे मदारिस में। ये इल्म, ये इसमें जो हजरत जुमा में जो बताया है कि कुछ इल्म फ़र्ज ऐन होता है और कुछ फ़र्ज किफ़ाया। ये जो अपने नमाज रोज़ा हज ज़कात निकाह कर रहा तो निकाह का इल्म, शादी करता है तो शादी का इल्म, तिजारत कर रहा तिजारत का इल्म, ये जितनी चीज़ें हैं। एक आदमी निकाह करेगा और शरीयत का इल्म हासिल नहीं किया उसने कि निकाह के ताल्लुक से क्या इल्म है, क्या हिदायतें हैं, तो कैसा फिर निकाह दिवाली ज़िंदगी कैसा गुजारेगा। तो ये फ़र्ज़ ऐन इल्म है, हर आदमी को इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है। और नमाज पढ़ना है तो चार रकात पड़ेगा तो चार सूरे याद होना कि नहीं होना, चार रकात पढ़ने के लिए चार सूरे भी लगेंगे उसको, इसलिए हमारे जमात वाले 10 सूरे सिखा देते हैं। तो ये उलूम हासिल करना ही फ़र्ज ऐन है ताकि आदमी नमाजें पढ़े, ये सारी चीज़ें। उसके लिए हमारे बच्चों को मकातिब में हम भेजे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिल्लोड़ के अंदर अभी हमारे बहुत सारे मकातिब ऐसे हैं जहाँ पर हिफ्ज़ क्लास भी शुरू हो गई और हिफ्ज़ कल जहाँ पर ताकत से हुई हमारे मस्जिद आयशा यार, वहाँ के अमीर साहब बैठे सदर साहब और हमारे मौलाना शहजाद, हिफ्ज़ क्लास सबसे बड़ी उनकी है, बच्चे पूरे गाँव उनसे छक्के वहाँ पर जा रहे हैं माशाल्लाह। कितने बच्चे हो गए, हाँ 30 बच्चे हो गए, कुछ बच्चे मुकम्मल भी हो गए हाफिज़। इस वजह से बाद से हम भी अपनी मस्जिद शाही और शाहू नगर, ये भी महरूम नारा, यहाँ भी मकतब होना चाहिए, पहले यहाँ मकतब था। तो हजरत ने बड़ी तफसील से बताया तो हम जो है तो इसके ताल्लुक से इस पर अमल करें, हमारे जल्द से जल्द मकतब को शुरू करें। हमारे महल्ले के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी है मकतब को शुरू कर देना, अगर वो शुरू नहीं करेगा तो इनसे पूछ होने वाली है, ये जिम्मेदारी महल्ले के, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी, खसूस यहाँ के जो हजरात हैं इनसे अल्लाह पूछेंगे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी में हमने मस्जिद दिया और तुमने वैसे वक्तों को ज़ाहिर कर दिया, महल्ले के बच्चे महरूम है पढ़ने से। हमारा आयशा मस्जिद का मदरसा एक ज़माने के अंदर इतना ताकतवर था, 800 बच्चे पढ़ रहे थे मस्जिद आयशा, कितने बच्चे अमीर साहब 800 बच्चे पढ़ रहे थे, इनका खर्च ऐसा था जैसे कोई बड़े इदारे का खर्च होता है माशाल्लाह। हमारा जाना होता ही आयशा मस्जिद में, तो हम जो तो मकतब शुरू करेंगे इंशाल्लाह, महल्ले वालों को करेंगे इंशाल्लाह मकतब शुरू। और देखो हजरत ने जुमा में एक बात और बताया, तालीम बालेगान भी शुरू करो। हमारे मक्का मस्जिद में एक दो ऐसे आदमी जिन्होंने 70-80 साल के बाद कुरान पाक सीखा है, कितने साल के बाद नहीं तो फिर इससे महरूम रह जाएंगे ना, कैसा होता है। अभी किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दिया था, उसके ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही, मोर्चे एहतजाज हो रहे थे, तो एक तालीम याफ्ता सर्विस के ऊपर आदमी है सिल्लोड के अंदर, तो हमको नहीं मालूम था यार जो है तो गाँव की हवा नरम गरम दी गई, हमने पूछे क्या हो गया, कुछ नहीं बोले वो, अपने कोई है ना बोले वो जिनका नाम मोहम्मद है बोले वो ऐसा कुछ, उनको कहने कुछ बोल दिया, उसको ये नहीं मालूम कि हमारे नबी है। ये हालत होता है, इसलिए कोई पी यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं और दीनी तालीम से महरूम रहते हैं, इसलिए तालीम होना ज़रूरी है। ज़रूरी तालीम हमारे मकादिम में दी जा रही है, हमारा जो निसाब आया है मौजूदा
तो जितने भी अकायद की लाइन से और इबादत की लाइन से, मामलात और माशरत की लाइन से, सीरत के उनवान पर, तारीख के उनवान पर बहुत सारी तालीम उसको दी जा रही है, लिहाजा वह हम उस पर अमल करें। अल्लाह से दुआ ही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाकिर दावा।